इसके पहले वाले लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। अब हम नया चैप्टर आज से चालू करेंगे, पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट में अपने को देखना है डोबेराइनर ट्रायड रूल। डोबेराइनर ट्रायड रूल की यदि हम बात करें तो डोबेराइन ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट के ट्रायड बनाए, तीन एलिमेंट का एक ट्रायड बनाया। जैसे यहां पे देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट को मिलाकर क्या बोला इसने ट्रायड, हिंदी में बोलेंगे ट्रिक। अब इसने क्या किया, फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाले एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है दोनों का इसने क्या निकाला, एवरेज। जब इसने दोनों का एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला, फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाला, दोनों का जब एवरेज निकाला तो एवरेज आया मिडिल वाले एलिमेंट के लगभग बराबर। जैसे यहां पर देखो मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो कितना लिखा हुआ, 80, और यहां पर देखो जब हमने फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट निकाला तो कितना आ रहा है, 81.2। अब यहां पर देखो ऐसा नहीं है कि आप किन्हीं भी तीन एलिमेंट के ट्रायड बना लो और ये रूल फॉलो करेगा, केवल ये जो आठ एग्जांपल है ये ही डोबेराइनर ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ये हो जाएगा, उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एक ये हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, एक एग्जांपल ये हो जाएगा, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, एक ये हो जाएगा, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम, एक एग्जांपल ये हो जाएगा, उसके बाद एक ये डी ब्लॉक का स्कैंडियम यट्रियम और लैंथियम, एक ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। केवल ये आठ एग्जांपल आपको याद रखना है। चलो इसके बाद हम अगला वाला रूल देखते हैं, न्यूलैंड ऑक्टव रूल, हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टव रूल हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इस वैज्ञानिक ने क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसने एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे यहां पर देखो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम। अब इसने क्या किया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार, सॉरी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर एलिमेंट को अरेंज कर दिया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने देखा कि फर्स्ट वाला एलिमेंट और आठ नंबर वाला एलिमेंट, जैसे यदि हम यहां से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, तो यहां पर देखने में ये आया कि एक नंबर वाला एलिमेंट और आठ नंबर वाला एलिमेंट, जैसे यहां से चालू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 नंबर वाला एलिमेंट और 8 नंबर वाला जो एलिमेंट है दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो आपस में सेम है। आप कहीं से भी चालू करो 1 से लेकर 8 तक जाओ तो 1 नंबर वाला तत्व और 8 नंबर वाला जो तत्व है उन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में सेम रहेगी। जैसे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोरान और एल्यूमिनियम इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपस में समान होती है। आप कहीं से भी चालू करो 1 से लेकर आपको 8 तक जाना है तो 1 नंबर वाला एलिमेंट और 8 नंबर वाला एलिमेंट दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो आपस में सेम होती है। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यदि हम न्यूलैंड ऑक्टव रूल की बात करें तो ये जो रूल है केवल कहां तक लगता है, कैल्शियम तक, कैल्शियम के बाद ये जो नियम है वो नहीं लगता है। अच्छा इस रूल में देखो आपको इनर्ट गैस दिख रही क्या, इसका जो रूल है इसमें इनर्ट गैस दिख रही क्या, इसके रूल में इनर्ट गैस नहीं दिख रही है, क्योंकि इस समय जब न्यूलैंड ऑक्टव रूल दिया गया था
उस समय इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। इनर्ट गैसों की जो खोज है वो इस रूल के बाद में हुई थी, इसीलिए इस वाले रूल में इनर्ट गैस नहीं है।